हम पहुंचे हैं लांडे मॉल, जहां पर झल्ले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। बहुत ही जल्द यहां पर बीनू ढिल्लो और सरगुन मेहता, जो कि फिल्म की स्टार कास्ट है, पहुंचने वाली है। अभी कुछ ही देर में इसका स्पेशल शो शुरू हो जाएगा, उसके बाद जानेंगे कि लोगों के क्या व्यूज़ हैं इस झल्ले फिल्म के बारे में। क्या ये फिल्म लोगों को वाकई हंसा हंसा कर झल्ला होने पर मजबूर कर सकती है या नहीं, आइए देखते हैं। कितने झल्लापंती नजर आई और आपको कितना झल्ला कर पाई? बहुत बहुत मजा आया मूवी देख के। स्टोरी वाज आल्सो वेरी गुड और बहुत अच्छी एक्टिंग, एंजॉयड अ लॉट। सबसे ज्यादा अच्छी किसकी लगी एक्टिंग? सरगुन और इंद्रजीत दोनों की बहुत ही बढ़िया है। सरगुन इज टू लविंग। मूवी कैसी लगी? ब्यूटीफुल फिल्म। अगर हम बात करें झल्ले की, क्या घर में भी ऐसे झल्लापंती चलती है? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली सरगुन की मेरी और सरगुन दोनों की बायोपिक है। दोनों की बायोपिक है? ओके, थैंक यू। आई एम किडिंग, गुड बाय। आप कब आ रहे हैं? प्लीज कम एंड वॉच इट। आप कब आ रहे हैं पंजाबी फिल्मों में? आ गए एज अ प्रोड्यूसर, वन स्टेप एट अ टाइम। क्या ओके हो जी? लगी बहुत बढ़िया लगी जी, बहुत कमाल दी परफॉर्मेंस इन्होंने। फ्रेश कहानियां, फ्रेश कंटेंट है और बॉलीवुड के बराबर की फिल्म है। ये नहीं लग रहा कि पंजाबी सिनेमे की फिल्म है, और चंगी गल है कि इदा का सिनेमा बनना शुरू हो गया, इदा एक्सपेरिमेंट होने शुरू हो गया और ऑडियंस पसंद कर रही है, सब तो वही गल है। मैं वधिया, के हो जा फील हो रहा है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, के हो जा रिस्पांस लग रहा है। तो वधिया फील हो रही है जी, तो ते हुन भी चल्ला पंती चालू रहेगी कि बंद हो जुगी? व्हाट यू से? ये चल्ला पंती चालू रहेगी कि बंद हो जुगी? ये ऑलवेज ही रहेगी जी, बाबा सादे काम ही है जी, बाबा के पास। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आज थोड़ी फिल्म रिलीज हो गया, एज अ डॉक्टर तुसी बहुत बढ़िया काम किया, के हो जा फील कर रहे हो? बहुत बढ़िया जी, एक्सलेंट फिल्म जी। मतलब जैसे पहला फिल्म देखी थी, असं डरते थे कि वो जिहड़ा कॉमिक एलीमेंट जिहड़ा लोकी दिनू या सरगुन की फिल्म में एक्सपैक्ट करते हैं, आऊगा कि नहीं आऊगा, डरता रहता था। बट अब जब लाइव ऑडियंस नाल फिल्म देखी है तो लग्या कि वॉट एवर आर एंडेवर वॉज, दैट इज अ सक्सेस। जब तुसी शूटिंग कर रहे थे उहदे टाइम ते जिहड़ी झल्लापंती नज़र आती थी, वो करते हुए की ख्याल आता सी? वाकई तुसी झल्ला फील करते सी खुद नू जिन्ना हुण अज फील कर रहे हो? हमेशा कॉन्फिडेंट सी, पूरी फिल्म ही झल बने नाल ही बनी है जी, पूरी इंग्लैंड शूट हुई है, सारी फिल्म झल बने थी शूट। मतलब वो जेडे 35 डेज से वो सारे झल बने निकले ने, तो जब तुसी इन्नी फिल्म का प्रोसेस इंजॉय करते हो ना, तो वो जेड़ा प्रोसेस है दैट टेल्स ऑन टू योर ऑडियंस, दैट रब्स ऑन टू योर ऑडियंस। ऑडियंस भी उदा इंजॉय करते जब तुसी फिल्म कर रहे थे, जिन्हें असं इंजॉय किया। फिल्म रिलीज हो चुकी है, लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं, तुसी किवें दा फील कर रहे हो? वो झल्लापंती आ रही है कि हाले भी नहीं आ रही? लोग की पसंद करेंगे तो साड़ी झल्लापंती जारी रहेगी जी, लोग की पसंद नहीं करेंगे तो केड़े झल्ले। ते हुण तक की बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिल चुका फिल्म देखने तो बाद? बस जिवें लोग कहते हैं ना कि सानू मज़ा बहुत आया, सिरा लाता, असी हसे भी, असी रोए भी, असी डरे भी। मैंने लगता है कि जी जे जिहड़ी चीज़ आपां करन दी कोशिश कीती ओह लोकां तक पहुंची, ओह साडे लई सब तो वड्डा कॉम्प्लीमेंट। मैं हुणे रवि जी नाल गल कर रही थी, वो कहिंदे इह साडी बायोपिक है, साडे घर च अक्सर ये सब चलता है, तुसी की कहोगे इस बारे? मैं कदे नहीं मारिया रवि नूं। नहीं पर झल्लापंती? झल्लापंती तां मेरी जारी रहिंदी है जी, मैनूं तां ही झल्ली कहिंदे ने। लव द मूवी, टोटली लव्ड इट, एक्टिंग इज ऑसम, सरगुन बीनू आई थिंक देयर बेस्ट एवर, एंड पंजाबी पिक्चर आई थिंक दिस इज पाथ ब्रेकिंग, इट्स सो डिफरेंट, द सब्जेक्ट, द जॉनर, वी लव्ड इट। मतलब झल्ले मूवी देख के तुसी वाकई झल्ले हो ना फील कर रहे हो? एक्चुअली एक्चुअली मजा आया जी, झल्लापन इंजॉय किया। ते हुण उम्मीद है घर जाके भी तुसी झल्लापन एहो जा करोगे? एहो जा नहीं तो थोड़ा बहुत नहीं, होपफुली नॉट। मतलब फिल्मा च चंगा लगता है ये झल्लापन? बट बहुत इंजॉय किया। मूवी कैसी लगी? मूवी बहुत अच्छी लगी, रियली रियली एंटरटेनिंग, रियली रियली नाइस। सबसे अच्छा क्या लगा इसमें? कैरेक्टर्स है ना, मतलब कुछ उन्होंने डिफरेंट करने की बिल्कुल कोशिश की है, ब्रेक फ्रॉम द रेगुलर, जो पंजाबी मूवीज में एक्सपेक्टेड ही होता है कि यही होएगा वही होएगा, सो यू गो थिंकिंग समथिंग एल्स और निकलता है कुछ समथिंग विच इज टोटली डिफरेंट। क्या इस चीज़ को फील कर पा रहे थे कि सरगुन की तरह आप भी झल्लापंती करते हो घर में? सी लाइफ में ना थोड़ा बहुत झल्लापंती हर कोई किसी ना किसी स्टेज पे करता है, ठीक है ना, और हम उस झल्लेपन को इंजॉय भी करते हैं। सो ऑल द टाइम सेम रहना इन लाइफ और सुलझे हुए रहना कैन बी वेरी डिप्रेसिंग, बोरिंग एट टाइम्स, जो झल्लापन होता है ना दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ। तो ये थी यहाँ के लोगों की राय, उन सबको ये मूवी झल्ला मूवी झल्ले बहुत पसंद आ रही है, आप भी थिएटर्स में अच्छा आइए और मूवी देखिए।
और अपने रिव्यूज शेयर कीजिए।